एक मिनट, आप बताइए क्या नाम है? प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप कुमार जी, कैसा रहा योगी राज में आजमगढ़ का विकास? जैसे बहरहाल ये है ना कि विकास अच्छी बात है, विकास हो ही रहा है। बहरहाल जो ये 2 साल लॉकडाउन लगा है, इससे क्या काम धाम एकदम ठप हो गया। तो पब्लिक क्या है, हम लोग क्या है कि रोज के कमाने खाने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम लोग फिर से आबाद हो जाएं, उभर जाएं। सरकार की जिम्मेदारी होना भी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी तो वही हम लोगों के लिए कुछ करे। अच्छा, अब ये चुनाव आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? सरकार से उम्मीदें हैं या सरकार में बदलाव करेंगे? सरकार से उम्मीदें तो बहुत हैं, शुरू से थी, ऐसे नहीं थे। सरकार से उम्मीदें नहीं थे, सरकार बदलती नहीं। बिल्कुल, अब उम्मीदें उम्मीद टूटी तो सरकार को बदलनी पड़ेगी। अब तो क्या उम्मीद देखते हो, 3 महीने तो रह गए। तो 3 महीने, 3 ही महीने में देखना है। अब 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तो देख ही लिया। उम्मीदों पे खरीद नहीं उतरी? उम्मीदें खरी उतरी ऐसी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है कि बहरहाल सोचा था ऐसा नहीं हुआ। मिडिल क्लास नीचे तबके के जितने हैं सब परेशान, तो हमको हम ये कह रहे हैं सब महंगा, सब नहीं, नहीं। कोई कौन बोला है? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इसी से सब महंगाई बढ़ गया है। अच्छा। अगर वो सस्ता रहता तो आज के डेट में सब गरीब आदमी परेशान नहीं होता। मेन पेट्रोल डीजल है, गरीब आदमी मर गया, समझ लीजिए। अगर डीजल महंगा हो गया तो आप समझे सब सामान महंगा हो गया, कोई गाड़ी लेके जाएगा। सरकार के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं, भाई महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, आपको राशन फ्री दे रहे हैं, एक मिनट, आपको कोरोना वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, ये कहाँ से देंगे? तो गरीब तो मर रहा है, उसमें पिसा रहा है। अरे भाई, जो जो बड़े बड़े हैं कास्तकार, उन लोगों से ले पे गरीब बच्चों को पैसा मिल रहा है ड्रेस का। सुनिए, बच्चों को पेंशन मिल रही है, क्या क्या मिल रही है? भैया मेरा नाम अरविंद कुमार यादव, तो आपने बता दिया था। मेरा घर जौनपुर है, मैं बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अच्छी बात है, करने में चाहिए सबका बना बात। बीजेपी पेंशन दे रही है बच्चों को? भैया बात यहाँ जानते हैं, मेरी बात, मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बात 1000 लोग सुने। बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि हिंदुत्व की बात है, हिंदू हम हैं, अगर हिंदू है ना तो हमारे आजा प्रजाजा इतना करके गए हैं। अच्छा, जो 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 सरकार से नाराज है भाजपा से, वो हिंदू नहीं है क्या? जो हिंदू भाजपा से नाराज है, नाराज हिंदू है या नहीं है ये बताइए। कारण यही है, वो हिंदू नहीं है। नहीं है, मतलब आपके हिसाब से हिंदू नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय राय है। कितना क्या बता रहे हैं? विजय राय है। हमारा देश, आप हिंदू नहीं है इनके हिसाब से? नहीं, इनके हिसाब से नहीं है। सरकार से नाराज हो तो हिंदू नहीं है ना? ये बताइए, ये हिंदू है या नहीं है? ये नाराज है तो ये हिंदू नहीं रहे? नहीं है, क्यों नाराज है? कैसे कह सकते हैं आप? क्यों नहीं मिलता? हिंदू मतलब जानते हैं, भगवान ने हाथ दो हाथ पैर दिया है, उससे हम कमा सकते हैं, अपने जीवनी चला सकते हैं। ये कह रहा भाई काम ही नियम की कोई बात आएगी नहीं, ना हिंदुत्व जो नहीं है वो विरोध। आपका तो तर्क ही अलग है, आपका तर्क ही अलग है, समझ से बाहर है। आपको योगी जी का समर्थन करते हैं? समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे, सबका अधिकार है, समर्थन कीजिए, समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि जो उनका विरोध कर रहा है वो हिंदू ही नहीं रहा। उनको नहीं कर रहे, कैसे वो नहीं कर रहे हैं, मगर अगर जो नहीं मान रहे हैं तो करना ही। मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर लोग खुद कह देंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरज राय। नीरज राय जी, कैसे रहे योगी जी के काम काज? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। क्या क्या बढ़िया हुआ? अरे बहुत कुछ बढ़िया हुआ, बहुत कुछ, में से 5 बता दीजिए। अरे कर रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, सुनने लीजिए, सुनने दीजिए, बता रहे हैं, बता रहे हैं, क्राइम खत्म हो गया पहली बार, हर चीज में सुधार हो गया। जैसे किन किन चीजों में सुधार हो गया? अरे जैसे ट्रैफिक, रोड व्यवस्था, रोड वगैरह बन गए, चलो 2 हो गए, और हर चीज मतलब गरीबों के लिए हर चीज की सुविधा कर दी है। क्या जैसे कि 2-4 सुविधा? किस टाइप की सुविधा? अरे सुविधा बोले तो हर महीने राशन लोग उठा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में बहुत सहयोग किए। 3 हो गए, और हम क्या बताएं, सब हो गया, सब उसी में सब हो गया। चलिए, आप संतुष्ट हैं सरकार से? आप वोट देंगे दोबारा जिताना ही चाहेंगे? जो आप बताइए क्या नाम है? ब्रजेश यादव नाम है। ब्रजेश जी, कैसे रहे? कोई खुश है, कोई नाराज है?
बताइए आप क्या लगते हो, योगी सरकार खोरी उतर पाई? मैं संतुष्ट नहीं हूँ योगी, सबकी बात है, काहे संतुष्ट नहीं? अब भर्ती देखा देखा टेम्पू चलावे लगनी, ये तो सरकार का हाल बा। अब किसान बिचारे महंगाई के मारे मरत हम, सरकार सरकार के बस ठाट से एसी चाहिए मस्त बैठे खातिर, वो बस नाना प्रकार के रोग बताइए काम को एक को पैसा का ना। ट्रैक्टर का जोताई हरियाणा पंजाब में टोल टैक्स नहीं है, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस वे पाओ तो 500 रुपए देने पड़ेंगे आराम से, आराम से। फिर चार जी बताइए क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी कैसे रहे योगी जी के काम काज? ठीक है, ठीक है, काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार उनकी सरकार पहले बनी थी, आज के 20 साल पहले राजनाथ सिंह जी बने थे जब मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय प्याज महंगा हो गया था, 100 रुपए किलो गिरा दी गई थी, लेकिन 100 रुपए किलो बिक रही थी वो किलो प्याज पे वकालत देखते थे। आज उनकी सरकार बनी है, 210 रुपए इस समय टमाटर जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, पार हो गया 100 से, 100 से पार हो गया। अभी हम परसों के डेट में गए थे 100 रुपए किलो कर रहे थे, ठीक है। सरकार बढ़िया, जितना काम किए हैं उतना एक नंबर का सब काम है, लेकिन महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, इसमें गरीब लोग बहुत मारे जाते हैं। क्या करेंगे इस बार? हम लोग की गुप्ता बिरादरी यही है कि भाजपा ही पे वोट मारेंगे, महंगाई कितनी हो जाए, क्योंकि हम लोग गुप्ता है, वोट उन्हीं पे पड़ेगा। लेकिन आजमगढ़ से 91% नहीं जा पाते हैं, इसलिए यहाँ जो है उन्हीं का चलता है। आजमगढ़ तो गढ़ है अखिलेश का, सपा का, हिल पाएगा या नहीं हिल पाएगा? नहीं, हो पाएगा यार, पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, हम लोग एकजुट है, एकजुट है। चांस मोदी जी भी लेके देखे आजमगढ़ से लड़ने के लिए जी, हाँ पाएंगे कभी नहीं। नशेनिया पशेनिया यहाँ अखिलेश भैया सामने खड़ा किए, क्या वो लोग जीतेंगे? अभी बताओ, अरे वो है भैया, वो नशेनिया पशेनिया नहीं है, मंत्री है। आज नहीं रहूंगा का पदनिया, हमें कहा जाना राजनीति? आज तक नचना पदना है, आज 2 साल से राजनीति में आ गए। योगी जी आजमगढ़ को बदल के नाम बदल दे, फिर क्या होगा? और ये बताओ, जब से उनका सरकार आई नमो बदलने और कुछ सुन ला कुछ करा तुमने? बदलना चाहिए नाम? हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए भैया, मेरा समर्थन है। आजमगढ़ का नाम जब से सरकार बनी तब से यही सुनाई दे रहा है, कभी वहाँ का नाम चेंज हुआ, कभी वहाँ का नाम चेंज हुआ, कभी वहाँ का नाम चेंज हुआ, और तो कोई ये बताइए आजमगढ़ से हरा पाएंगे अखिलेश सपा को या नहीं हरा पाएंगे? इस बार तो मुमकिन है, जी इस बार तो मुमकिन है। मोदी सरकार में हासिल कांड तो हो गया? नहीं नहीं, नारे नहीं लगा भैया, मोदी सरकार में हाजिर कांड करवा दिया, ये बताइए हमारी बात? 5 साल हो रहेगा, नहीं तो बात सुनिए, 5 साल 5 साल तो रहेगी, चलो ठीक है मान लेते हैं यूपी में रहेगी, आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ से भी आई पर रहेगा, आज इस बार आना आजमगढ़ से, इस बार बीजेपी? हाँ बीजेपी, नहीं सपा आ रही है, जीतेंगे नहीं, भाजपा समर्थक है, इन्होंने कहा कट्टर समर्थक है, लेकिन लग रहा है इसमें मिला जुला के भाजपा तो नहीं अब सपा आएगी सत्ता में। आजमगढ़ जिला से वही, आजमगढ़ जिला से वही जीतेंगे जी। आपको गाजीपुर बॉर्डर पर देखे थे? गाजीपुर बॉर्डर पर देखे थे हमको, बहुत शुक्रिया। तो गाजीपुर बॉर्डर पर मिले थे हम, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं हर जगह, तो कैसा रहा कामकाज यूपी सरकार? कामकाज तो ठीक है, उतना नहीं है गड़बड़। किसान आंदोलन में गए? हाँ हाँ, देखे होंगे। हाँ यहाँ तो सरकार सपा की आ रही है, यहाँ सरकार सपा की आ रही है, यूपी में या आजमगढ़ में? नहीं नहीं, यूपी में, यूपी में, यूपी में है आ रही है। अरे जो महंगाई इतना है, डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत देर से सुना, दूसरे की भी सुन रहे हैं, डीजल और जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है ना, उसके वजह से ज्यादा दिक्कत होगा। और जो महंगाई है तेल है, देखिए सरसों का तेल महंगा हो गया। बताइए किसान आंदोलन में आप गए होंगे, अब तो किसान आंदोलन में अब तो तीनों बिल वापस ले लिए, तो लग रहा है मोदी जी ने अच्छा काम किया, अब आप उनके साथ जा सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहियो ना आवत है, कोनो महीना में आवत है, कोनो महीना में ना आवत है। 2000 रुपए 6 महीने पहले 2200 2500 2500 2000 कोनो किसी महीना में आ रहा है, किसी महीना में नहीं आ रहा है, वो ठेकेदार क्या किसी ने कोई दे रहा था इससे पहले कुछ? ये बताइए इससे पहले तो
ने नहीं दिया है, हर एक हाई जब अखिलेश की सरकार थी हर एक बच्चे को लैपटॉप, इससे पहले कोई सरकार कुछ नहीं दे रहा था भैया, लैपटॉप 25,000 रुपया लैपटॉप दिए, 25,000 रुपया दिए, साइकिल दी लड़की, बात हिंदू धर्म की बात नहीं है, जातिवाद की बात है, उसमें कोई जातिवाद नहीं हुआ था, सबको मिले थे, एक समान मिला था, कोई जातिवाद नहीं हुआ था उसमें, सभी लोगों को मिला था, ऐसा कोई नहीं है कि जिस बच्चे को ना मिला हो, जो उस लायक था उसे मिला, हाँ मिला था, युवा हो, कितनी उम्र है? 20 साल, 20 साल, तो वोट डालोगे, पहला वोट आ रहा होगा, हाँ, तो क्या पहला वोट बड़ा कीमती होता है, किसको जा रहा है इस बार, किसको जितवाओगे? कमल को, कमल को, कहाँ है कमल पसंद है? बनारस में पसंद है, बनारस, बनारस से आए हो? हाँ, बनारस में कमल है, मोदी जी का गढ़ है भाई, हाँ हाँ, इरफान हाशमी नाम है, अच्छा इरफान हाशमी नाम है आपका, बनारस में आप कमल खिला रहे हो, हाँ, और यूपी में? यूपी में अखिलेश भी आएंगे, भी आए, मोदी भी आ सकते हैं, मोदी जी तो सेंटर में बैठे हैं, योगी जी भी आ सकते हैं, योगी कमल, अच्छा आप काहे खुश हो कमल से? आप काहे खुश हो? हम तो खुश हैं, काहे खुश हो, का वजह? लॉकडाउन में राशन मिला है और रोड बना दिए, अरे नहीं नहीं ऐसे ऐसे मत कीजिए, क्या कर रहे हैं वो, और ट्रैफिक भी हटा दिए, और क्या नाम है, मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, अब वाराणसी जाओ, मैं सारा यूपी घूम चुका हूँ, कोई मुझसे कहता है ना यहाँ का रोड नहीं बना, तो मैं उसको ये भी कहता हूँ भाई झूठ बोल रहा है, यहाँ का रोड बना हुआ है, और कोई कहता है ना बना हुआ है, तो वो भी मुझे पता है, हालत हालत देखिए उस रोड की कैसी है, कैसी है आप बताओ? अच्छी है, अच्छी है, नहीं तब देखे नहीं होता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से वाराणसी आने में, अच्छी है, खराब है, रोड नहीं दिखाई देता, ठीक है, जो कुछ लेके आप चले आइए अकबरपुर, तो रोड के बाद बता दीजिए, इतनी इतनी गड्ढे, आप भी बनारस से? नहीं मैं आगरा से हूँ, अच्छा आगरा से, हाँ, यूपी का क्या हाल है? यूपी का सपा या बसपा आएगी? सपा या बसपा, अच्छा कांग्रेस बीजेपी सही नहीं है? कोई नहीं सही है, अच्छा क्या है सपा बसपा? बसपा या सपा आएगी, सरकार दो ही की बनेगी, क्यों क्यों वजह जानना? अरे एक मिनट, मोदी जी ने योगी जी ने जो काम कराया है या कहा है वो कुछ नहीं हुआ है, हाँ, केवल झूठ से अलावा कुछ नहीं किया है मोदी जी ने, हाँ हाँ, झूठ बोला है, क्यों नहीं कहा किसी के 15 लाख आए उन्होंने, हाँ क्या बोल रहे थे आप? मोदी जी योगी जी जो गाय छोड़वाए है इसके लिए बढ़िया काम नहीं किया है मोदी जी, इधर आइए, ये कह रहे हैं गो हत्या होती थी, गो हत्या बंद करा दी, बंद बोल रहे, हाँ जी, वो आप समझ नहीं पाए इनकी बात, हाँ गौ हत्या बंद करा दी, लेकिन अब किसान की गौ हत्या हो रही है, अब किसान की किसानों पे गाड़ी चला दी जाती है, किसान किसान घर नहीं सोता है, खेतों में सोता है, जिम्मेदार क्यों सोता है खेतों, जिम्मेदार खेतों में जो सांड और गाय नहीं छोड़ते, जिम्मेदार इसलिए है कि जब मान लीजिए माँ बाप आपको जब तक खिला पिला रहे हैं पैसा दे रहे हैं तब तक आप उनको साथ रखेंगे, और जब उसका अंतिम समय आएगा तो आप घर से बाहर कर देंगे उसको, किस लिए बनाई उसका फंड, किस लिए लिया जा रहा है फंड दिया जा रहा है, किसानों से पैसा नहीं काटा जा रहा है, नहीं नहीं पैसा काटा जा, सुनिए गौशाला के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, गौशाला बनी है उसके लिए हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर हमारे आसपास जो गौशाला बनी है वहाँ पे देख रेख सही नहीं हुई उसकी कंप्लेन करिए, उसकी कंप्लेन करें, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना, केवल ये नहीं कि सरकार के ऊपर हम सब कुछ थोप देंगे और सोचेंगे वही सब करेंगे, हम क्या करेंगे, ये गांव के प्रधान की और लेखपाल की होती है, गांव के प्रधान की और लेखपाल की होती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है, अच्छा नहीं सुनता, प्राइमरी ले जाओ ना, देखने नहीं जाएंगे ये लोग, खुद के जाओ तो गांव के प्रधान लोग मने करते हैं कि गौशाला भाई मत छोड़ो अपने घर बांधो, आवारा पशु बाहर रोड पे घूम रहा है, दो बार मैं बचाऊ एक्सीडेंट होते हुए अभी यहाँ आते भाई आवारा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन एक चीज बताइए सरकार नहीं व्यक्ति हो जाएगा सरकार को ब्लेम कर देंगे, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सरकार भाई भाई ऐसा धक्का मुक्की मत करिए प्लीज, धक्का मुक्की मत करो यार, सारे खड़े जितने भी है यहाँ जितने भी खड़े हैं किस किस को लगता है हाथ खड़े करके बता दे मोदी योगी सरकार सत्ता में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल 3 हाथ खड़े हुए, अच्छा एक उधर है 4 हाथ खड़े हो गए, ठीक है अभी अभी सुन तो लो, अब किसको लगता है कि योगी सरकार नहीं आ रही अखिलेश सरकार आ रही है, अखिलेश सरकार आ रही है ना, 4-5 लोग हैं जी,
भाई जन जन का संकल्प पटेल 22 में फिर खिले के मल। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है ठीक है ठीक है। आजमगढ़ में, आजमगढ़ के भाई देखिए अखिलेश जी का गढ़ है, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश निकाल लेंगे, और जो अखिलेश समर्थक है वो कह रहे हैं अखिलेश सरकार सत्ता में भी आएगी। हालांकि बीजेपी समर्थक भी कह रहे हैं कि अब आजमगढ़ तो निकाल लेंगे लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे। खैर हर बार एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि कुछ भी कहना रिजल्ट आने से पहले बेवकूफ़ी होती है राजनीति में। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, पता ना लग जाए कौन सत्ता में आया है, आंकड़े लगाना सही नहीं होता। लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि लोगों से जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें और समझ सकें उनकी समस्याएँ क्या हैं और वो इस बार किस ओर जा रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि भाजपा पे एक मुद्दा भारी पड़ रहा है, सिर्फ एक ही मुद्दा भारी पड़ रहा है, और कोई मुद्दा नहीं है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। उसके अलावा कहीं ना कहीं भाजपा और मुद्दों में कोई इतनी समस्या नहीं है। महंगाई बेरोजगारी में अगर शायद काम कर रोक पा दी तो शायद सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाती, लेकिन इस बार ठीक है। महंगाई बेरोजगारी भी वही हो गई, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा क्या इस सरकार को लेकर डूबेगा ये देखना होगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है सर, धन्यवाद।